आज हम क्लास टेंथ में पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो इसे समझने के लिए पहले हम कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स की बात करते हैं। हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, जो माहौल है, उसमें कुछ चेंजेस डेफिनेटली हो रहे हैं, ठीक है, और उनमें कौन से चेंजेस इस कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं वो हम देख रहे हैं। जैसे अगर आप ऑब्जर्व करो तो पहला चेंज मैं बात कर रहा हूँ, समर में अगर हम दूध को रख देते हैं तो दूध जो है वो खट्टा हो जाता है, फट जाता है, ठीक है ना, और उसका कारण आपको पता है कि बैक्टीरिया उसमें पनपने लग जाते हैं। गर्मी में प्रोसेस ज़्यादा तेजी से होता है, ठीक है, सर्दियों में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना, क्योंकि ठंडा जब होता है दूध तो उसमें रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो समर के दिनों में दूध बहुत जल्दी फट जाता है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आपने देखा होगा कि अपने आसपास के माहौल में जो आयरन पड़ा हुआ होता है, अगर बरसात के दिनों में बहुत दिन तक कोई चेयर वगैरह बाहर रह जाए या आयरन का कोई टुकड़ा है, तो कुछ टाइम बाद उसमें रेड कलर की एक लेयर जम जाती है। उस रेड कलर की लेयर को हम बोलते हैं रस्टिंग, जंग लगना। तो आयरन का जो रस्टिंग होता है दैट इज ऑल्सो ए केमिकल प्रोसेस। इसके अलावा हम बात करें वाइन मेकिंग फ्रॉम ग्रेप्स, ठीक है, तो फर्मेंटेशन होता है यहाँ पे ग्रेप्स का, ठीक है। तो वाइन मेकिंग में क्या होता है कि ग्रेप्स को जो है क्रश करके कई दिनों तक रखा जाता है, उसमें बैक्टीरिया पनपते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है वहां पे वो टूटकर किसी और फॉर्म में चेंज होगा और उसमें अल्कोहल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। सेम चीज होती है कि जैसे केन शुगर होता है, केन शुगर के साथ भी यही होगा। केन शुगर को रखेंगे अपन कई दिनों तक तो कुछ दिनों बाद उसमें फर्मेंटेशन स्टार्ट होगा और उसमें अल्कोहल बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड है, ठीक है, जो भी खाना हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है बॉडी में, तो डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं बॉडी के अंदर, डिफरेंट एसिड्स होते हैं, तो वो एक लार्जर जो चेन होती है फूड की उसको ब्रेक करके किसी और में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल प्रोसेस है, जो भी हम खा रहे हैं, मान लीजिए ग्लूकोज हम ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली ग्लूकोज जो है वो टूटकर CO2 और वाटर में बदलता है और एनर्जी साथ में प्रोड्यूस करता है। तो अपने आसपास के माहौल में बहुत सारे केमिकल चेंजेस हैं जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा एक तरह से देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें इसमें आती है। अब देखिए होता क्या है कि जब भी केमिकल चेंजेस आ रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि नेचर और आइडेंटिटी चेंज हो जाता है, ठीक है ना, उसी को हम चेंज बोलेंगे। What is mean by chemical reaction means chemical changes, ठीक है। तो जो changes आ रहे हैं, जो identity बदल रही है, वो हम study करने वाले हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं physical change, या मैं इसको physical reaction का नाम दे सकता हूं, ठीक है, ठीक है। अब physical change या physical reaction का मतलब यह है कि only physical state is change, ठीक है। तो जैसे हम जानते हैं H2O solid, ice को बोलते हैं अपन, ये सॉलिड एज मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इट मीन सॉलिड स्टेट में वाटर पड़ा हुआ है। वाटर तो जो आइस बर्फ होती है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बर्फ को अपन गर्म करना चालू कर दें, ये साइन है डेल्टा हीटिंग का, बर्फ को हम गर्म करना चालू कर दें तो H2O लिक्विड में बदलता है। तो यहाँ पे वाटर मोलिक्यूल तो ऐसे ही रहे लेकिन वहां उनकी फिजिकल चेंज स्टेट चेंज हो गई है, यानी अर्लियर इट वॉज सॉलिड एंड आफ्टर सम टाइम इट कन्वर्टेड आफ्टर हीटिंग कन्वर्टेड इंटू लिक्विड, ठीक है। तो ये फिजिकल रिएक्शन में आ जाएगा, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन में अगर मैं देखूं कि N2O4 एक मॉलिक्यूल होता है, द कलर इज, देयर इज नो कलर मीन्स इट इज कलरलेस। अब N2O4 मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। स्ट्रक्चर हम लेटर पार्ट्स में ड्रॉ करना सीखेंगे, अभी मैं सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पे ये मॉलिक्यूल दो पार्ट में यहां से ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होते ही NO2 का ये एक मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, NO2 का ये मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। एंड व्हेन इट डिसोसिएट इनटू NO2 टू मॉलिक्यूल्स द कलर बिकम्स ब्राउन। तो ये अपन बात कर रहे हैं कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन क्या होता है, नेचर चेंज होता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड बन गया, या हम कहेंगे आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, कलर लेस से क्या बन गया, ब्राउन, ठीक है। तो चूंकि यहां पे बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है इसलिए अपन इसको बोलते हैं केमिकल चेंज और रिएक्शन। तो एक्चुअली केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड।
न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, इसको हम क्या नाम देते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक, तो ये एक तरह से केमिकल रिएक्शन कैटेगरी में आती है, बिकॉज नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन वर कनेक्टेड थ्रू ए बॉन्ड। ठीक है, देर वॉज अ सिंगल बॉन्ड, तो जैसे हमने गर्म किया तो दिस बॉन्ड इज ब्रोकन और दिस मॉलिक्यूल हैज बीन सेपरेटेड इनटू टू मॉलिक्यूल्स NO2 NO2 व्हिच इज हियर एंड इट इज ऑफ ब्राउन कलर। सो इफ बॉन्ड्स आर ब्रेकिंग और न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, दैट कम्स इनटू कैटेगरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और एग्जांपल है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। मैग्नीशियम इज ए मेटल और मैग्नीशियम मेटल का एक रिबन हम लाकर और ये हमारे पास बर्नर है, तो इस बर्नर के ऊपर हम मैग्नीशियम रिबन को लाते हैं तो इट विल बर्न। अभी बर्न क्यों हो रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन गैस। ठीक है, फैन बंद कर देना है ना, तो मैग्नीशियम के साथ क्या होगा कि देखो अपन मैग्नीशियम रिबन लेके आए। ठीक है, अब मैग्नीशियम जैसे मैं यहां लाया तो ये क्या करेगा, जलने लग जाएगा यहां पर। ठीक है, जल क्यों रहा है, व्हाई इट इज बर्निंग, बिकॉज यहां पे एयर है और एयर में गैस होती है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन गैस हेल्प्स इन कंबशन। ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग, ये रिएक्शन का नाम क्या है, कंबशन रिएक्शन। जब कोई चीज ऑक्सीजन की सहायता से जलती है तो हम उसको बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। ठीक है, तो इट इज बर्निंग बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन, सो बेसिकली दे आर रिएक्टिंग विद ईच अदर। व्हाट इज कंबशन, कंबशन मीन्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन गैस। ठीक है, सो द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज रिएक्टिंग विद मैग्नीशियम गैस, मैग्नीशियम मेटल एंड MgO इज फॉर्म्ड एंड दिस MgO इज ऑक्साइड, द नेम इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ द इट बर्न्स विद व्हाइट फ्लेम। ठीक है, तो जो फ्लेम यहां पे आएगी जलते समय दैट इज व्हाइट कलर्ड फ्लेम एंड द कंपाउंड फॉर्म इज MgO एंड MgO इज व्हाइट पाउडर। सो वी विल कलेक्ट दिस MgO पाउडर आफ्टर रिएक्शन विद ऑक्सीजन गैस एंड वी विल ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ दिस पाउडर इज व्हाइट। द कलर ऑफ द कंपाउंड वी हैव टू रिमेंबर इन द केमिस्ट्री, यू हैव टू अंडरस्टूड दैट whenever any color is coming na, then we have to remember it. To next example hum dekh rahe hain isme ki jaise suppose I am taking lead nitrate, the name of this compound, this is lead and this is nitrate ion. So this is lead nitrate, if I may to react with potassium iodide, Ki is potassium iodide, so Ki will break into K plus ion and I minus ion, lead nitrate will break into lead plus 2 ion and NO3 minus ion. So during this chemical reaction, this reaction, these are the ions, so this is called as ionic reaction. So what happens during a ionic reactions, the logic is very simple, cation will attack over anion and anion will attack over cation because they are having opposite charges. So what happens between opposite charge ions, they will attract each other because of electrostatic force. So lead Pb plus 2 will react with I minus and the compound form is PbI2. How it is forming, because one Pb plus 2 is balanced by 2 I minus ion, charge balance, here is minus 2, here is plus 2. So what happens, lead plus 2 and 2 I minus forms PbI2 and this is insoluble, so this will form a precipitate. What is mean by precipitate, that if any salt or any compound is insoluble in a water, it will come out on the surface in the form of precipitate. So and the color we have to remember, it is yellow color. Now the next example is zinc. If you react zinc with HCl hydrochloric acid or H2SO4 hydrogen sulfuric acid, this is sulfuric acid, both are taken dilute form. What is mean by dilute form, if water is more then it is diluted acid, if water is less it is concentrated acid. So what happened zinc with the zinc, so the hydrochloric acid when dissociate gives chloride ion Cl minus ion and H2SO4 gives sulfate ion SO4 minus 2 ion and zinc gives Zn plus 2 ions after removing 2 electrons. So this zinc will react over Cl minus
वन जिंक एंड टू सी एल माइनस फॉर्म जेड एन सी एल टू कंपाउंड, वन जेड एन प्लस टू एंड वन सल्फेट आयन रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म जेड एन एस ओ फोर कंपाउंड. दिस इज जिंक क्लोराइड, दिस इज जिंक सल्फेट एंड बोथ आर व्हाइट कलर्ड. सो दीज टू आर द एग्जाम्पल ऑफ आयनिक रिएक्शंस. As well as we have seen the magnesium ribbon was burnt in air forming MgO magnesium oxide which was white powder. This is yellow compound, this is white compound. So these are the ionic reactions. This is also an ionic, this is a redox reaction. We will see in the later part what is meant by redox. So dekhiye, during a chemical reaction, जैसा कि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो पहली करेक्टरिस्टिक्स है कि चेंज इन स्टेट. देर आर थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो फॉर द एग्जांपल, व्हेन वी आर हीटिंग आइस, आइस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड. सो इफ सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर, दीज आर कॉल्ड एज चेंज इन स्टेट. दीज आर द फिजिकल स्टेट. चेंज इन कलर. Suppose during a reaction the red compound converts into yellow compound, so this will be called a change in color. There are many examples like this. Evolution of gas, one example I already have given. N2O4 was colorless and when it was heated it gives NO2 gas, that was brown colored gas. So this was the example of color change I already have given. Evolution of gas, there are many compounds when they are heated they can produce the gas. For the example, the oxide of silver, when it is heated, after heating it gives silver metal and oxygen gas is emitted. So there is an evolution of the gas, oxygen gas, when heating of Ag2O take place. Changes in temperature. If we are mixing two compounds in a solution, there are two cases. There might be endothermic reaction, exothermic reactions. ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस मींस हीट इज रिक्वायर्ड, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मींस हीट इज रिलीज्ड. ठीक है, सो सपोज ए एंड बी आर रिएक्टिंग एंड देयर इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सो व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सम हीट विल बी इवॉल्व्ड. सो इन द बीकर इफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, हीट विल बी इवॉल्व्ड एंड व्हाट विल हैपन, द सॉल्यूशन विल बी हीटेड. अगर मैं कोई ऐसी चीज पानी में डालूं कि जिसके डालने से रिएक्शन के बाद हीट निकल रही है, तो व्हाट विल हैपन, हीट निकलने के कारण वो चीज जो है पानी गर्म हो जाएगा. ठीक है, तो अगर हीटिंग या कूलिंग हो रही है तो दैट इज ऑल्सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. सो देर आर टू आइडेंटिफाई इफ द केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग और नॉट, देर आर फोर मेजर्स ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन. नाउ वी आर मूविंग टू केमिकल इक्वेशंस. What is meant by chemical equation? Like I have given one example, when magnesium ribbon was heated in air, air contains oxygen gas and it forms a this is oxygen gas. Air contains oxygen and when magnesium was heated in oxygen, magnesium oxide was formed. This compound is called as magnesium oxide. Like, so first we have to identify which one is reactant and which one is product. This arrow shows direction of the reaction. Means reaction is moving from this side to this side. If I put this arrow as this, then the reaction will be going in backward direction. This is called as forward direction. This is called as forward direction. So what is happening? Ki these two are reactant. Ab arrow mein hum do cheeze identify karenge. This is left hand side. And from the arrow, this is right hand side. In the left hand side, the compound present will be called as reactants. The compound will be called as reactants. And in the right hand side, the compound formed is called as a product. So in the arrow, we have to check this side is reactant and this side is product. There might be multiple reactants and they are separated by plus sign. So the plus sign is to separate the reactants if they are more than two or more than two. Okay, so the reactant and product. So the if I put A to B, so A will be reactant, B will be product, and arrow sign means reaction going from A to B. If I write this reaction as reverse arrow,
Now what is happening? That from B, A is formed. So now this A becomes product and B becomes reactant. So which one is reactant and which one is product is decided by the arrow. If arrow is going in this direction, left side to right side, this is forward reaction. This is forward reaction. And arrow pointed towards this means this is backward reaction. Backward reaction. So by this arrow, this pointed towards B. So B is product and coming from A is reactant. This arrow is coming from B. So B will be reactant and arrow is going towards A will be product. So reactant and product are decided by this arrow where it is pointed. So it shows direction of the reaction. बस आज इतना ही करेंगे.